आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा जो बहुत ज्यादा अपने आप में समझने वाला है और बहुत ज्यादा डिबेटेबल ये क्वेश्चन है, आप लोगों को भी सोचने के में मजबूर हो जाएगा ये क्वेश्चन सुनने के बाद में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको एक मुद्दे के बारे में डिस्कस करूंगा, इसका मुद्दे का नाम है न्यू ड्रेस कोड फॉर लॉयर्स। एक एडवोकेट साहब है, उन्होंने जो है ना जुलाई 2021 के अंदर अलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पेटीशन डाली थी। सिर्फ किस लिए कि भाई साहब जो एडवोकेट्स का ड्रेस कोड है ना हाईकोर्ट के अंदर, जो ब्लैक रोब पहनते हैं एडवोकेट्स भाई, उनको जो है रद्द कर देना चाहिए, उनको जो है हटा देना चाहिए और एक नया का नया ड्रेस कोड लाना चाहिए। लेकिन वो ड्रेस कोड क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसके हाथ में है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाथ में है। क्योंकि आप लोगों को पता है पूरे भारत के अंदर हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है हम लॉयर्स के लिए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसी बात के सामने पेटीशन रखी गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने भी ये पेटीशन रखी गई थी कि भाई साहब आप जो है कोई कमेटी बिठाओ, आप कोई कमेटी बनाओ। और बार काउंसिल ने बात सुनी और कमेटी बना दी गई है। अब नया बार जो ड्रेस कोड होता है लॉयर्स का कुछ टाइम के अंदर 100% आ जाएगा, या फिर जो बार काउंसिल की कमेटी है 5 मेंबर्स की वो क्या डिसीजन लेगी वो भी बाद की बात है। लेकिन अभी जो करंट मुद्दा है ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपको जो है डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस देखने को मिलती है एज वेल एज आपको पेड क्लासेस देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करूं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उन बच्चों के लिए जिनके पास थोड़ा बैचेस खरीदने का सोर्स नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो अनअकैडमी चाहता है सारे लोग आकर प्लेटफॉर्म पे आए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लासेस देख सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा मेरी भी अपनी फ्री क्लासेस चलती हैं, आपको हर जगह प्रमोशंस दिखते होंगे। मैं आपको 3 से 4 डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट के जुडिशरी के एमसीक्यूज करवाता हूं, जिससे हमारा प्रिलिमिनरी का जो पेपर होता है उसका जो बेसिक्स है हमारे स्ट्रांग हम तैयार कर सके। एज वेल एज मेंस की भी क्लासेस चलती हैं। अगर आप मेरे से एविडेंस एक्ट पढ़ना चाहते हो कंप्लीट, तो आप 9 से 10 रात की क्लास मेरी ज्वाइन जरूर करा करो, आपको डेली बेसिस पे मेरी एविडेंस की क्लास 9 से 10 देखने को मिलेगी। 3 से 4 हमारी क्लासेस भी चलती हैं एमसीक्यूज की, और अनअकैडमी के ऊपर डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज की सीरीज भी चलती है दिन के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होते हैं। संडे की मैं बात करूं तो संडे को मिक्स एक बैंक क्वेश्चन बैंक होता है जो एमसीक्यूज के थ्रू आपको करना होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SLG10 का डेली हर किसी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखने के लिए। सबसे पहली बात आती है यहां पे न्यू ड्रेस कोड फॉर लॉयर्स जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। तो जो जुलाई 2021 में एक एडवोकेट साहब ने पेटीशन डाली थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, सिर्फ क्वेश्चनिंग करते हो कि भाई जस साहब देखिए जो एग्जिस्टिंग ड्रेस कोड है ना लॉयर्स का वो मतलब बेकार है, बेकार इन द सेंस। उसके अंदर क्या बोला जो पेटिशनर साहब थे, पेटिशनर ने साफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी चैलेंज करा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर अपनी बात रखी PIL की तरफ से। जो पेटिशनर है उनके मुताबिक जो बैंड है ना, जो एडवोकेट्स जो बार कोर्ट के अंदर प्रोसीड करते टाइम बैंड पहनते हैं, पेटिशनर ने एडवोकेट साहब ने अपनी PIL के अंदर ये साफ बोला कि ये जो बैंड है ना ये भाई क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक ये बैंड बनाया गया है जो कि एक तरीके से गलत है। इसके अंदर बोला कि भाई इस जो बैंड पहनने की जो प्रथा है ना एडवोकेट्स के लिए उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। पहला मुद्दा ये डाला किसने, एडवोकेट साहब ने, कहां पर, अपनी PIL के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जुलाई 2021 में। अब इसके अंदर इन्होंने आगे बोला कि एक बात बताओ यार, अगर मैं नॉन क्रिश्चियन हूं तो मुझे फोर्स क्यों करा जा रहा है भाई, जब बैंड जो है वो क्रिश्चियन सिंबल है एक तरीके से उसको डिसकंटिन्यू होना चाहिए, तो मैं नॉन क्रिश्चियन हूं तो मुझे एज एन एडवोकेट के तौर पे क्यों जो है फोर्स करा जा रहा है। अब इस मुद्दे को सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ एक बात आ रही होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिएगा, आपकी क्या सोच है ये बात सुनने के बाद। अभी और भी बातें इन्होंने बोली है, जैसे कि पिटीशन के अंदर एक और क्वेश्चन रेज करा गया कि यार देखो जो कोट्स पहनने के लिए एडवोकेट्स को बोला जाता है, गाउन पहनने के लिए एडवोकेट्स को बोला जाता है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में हुआ, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हुआ, या कोई भी फैमिली कोर्ट्स हुआ, या कोई भी स्पेशल कोर्ट्स हुआ, किसी भी जगह पे भाई ये रूल है, आप अगर कोर्ट के सामने जज साहब के सामने प्रोसीड कर रहे हो तो आपको बैंड पहनना जरूरी है, हाई कोर्ट में प्रोसीड कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड कर रहे हो तो एक ब्लैक रोब पहनना जरूरी है। तो इस पे भी क्वेश्चनिंग पेटिशनर साहब ने जो है एडवोकेट साहब ने जो अपनी पेटिशन के अंदर ये रेज करी। अब इसके अंदर जो है इन्होंने बोला, एक लाइन बोली गई है जो एक तरीके से सही भी है, एक लाइन मैं जो पूरी इनकी पेटिशन में बोलूंगा जो सही भी है। क्या सही है कि एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द रूल्स एंड
रेगुलेशन ऑन टिल दिस डेट नो इंटरप्रिटेशन हैज टू बी टेकन प्लेस. कि भाई साहब जब बार काउंसिल ने रूल्स फ्रेम करे थे ना हम लॉयर्स के लिए, ड्रेस कोड फ्रेम करा था, जब से लेके आज तक का एक दिन है कभी भी इस पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं रखी गई है. एडवोकेट के मुताबिक, अपनी पिटीशन के मुताबिक, कि जो ये बैंड का सिंबल है ना पूरा क्रिश्चियन सिंबल है, तो यार जब कोई नॉन क्रिश्चियन एडवोकेट होगा तो उसको फोर्स क्यों करा जा रहा है कि नहीं तुम्हें पहनना जरूरी है, अगर तुम पहनोगे नहीं तो तुम कोर्ट के अंदर जो है प्रोसीड नहीं कर सकते. तो ये पिटीशनर के मुताबिक एक तरीके से डिसकंटिन्यू, बंद होना चाहिए. अब इन्होंने एक और बात बोली कि भाई देखो मेरा एक तरीके से ये अपना पॉइंट है, पीआईएल के जरिए मैंने बस अपना पॉइंट रेज करा है. अब मैं तो इतने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूं नहीं, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. बार काउंसिल हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है हम लॉयर्स के लिए. तो ये डीप इंटरप्रिटेशन बार काउंसिल की तरफ से, जजेस की तरफ से, और भी जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए मेरी पीआईएल को फैसला सुनाने से पहले. तभी तो एक मेरिट के ऊपर जो है डिसीजन लिया जाएगा. मेरिट पर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटेंट लोगों का आना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट ओपिनियन का होना जरूरी है. तो ये पिटीशन के अंदर लिखा गया था ये सारी बातें. अब इसके अंदर बोला गया कि भाई देखो बीसीआई आप बताइए आप अपना फैसला क्या करेंगे. तो बीसीआई ने एट द एंड अभी रिसेंटली जो है 5 मेंबर्स की कमेटी अब बना दी गई है. बीसीआई ने बोला हाँ चलो ठीक है, तुम्हारे मुद्दा बहुत जेन्युइन है, तुम्हारे मुद्दे पे हम गौर जरूर करेंगे, इसी वजह से हम 5 मेंबर्स की कमेटी अपनी फॉर्म कर रहे हैं. 5 मेंबर्स की कमेटी बना दी गई है जिसमें सीनियर्स जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं वो पूरे के पूरे लॉयर्स का जो ड्रेस कोड है इसके इशू के रिगार्डिंग जो है डिस्कशन करेंगे. अब इसके अंदर आखिरी बात आई है कि जो पेटिशनर थे उन्होंने एक बात ये भी बोली है कि भाई देखो सबसे पहली बात ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, मतलब मैंने इन द सेंस पेटिशनर ने जो पॉइंट्स अपने पेटिशन के अंदर बोले हैं, इन्होंने एक बात ये भी बोली है कि देखो जो ड्रेस कोड है ना लॉयर्स का वो एक तरीके से अनरीजनेबल है और वो वायलेट करता है एडवोकेट्स के फंडामेंटल राइट्स को, जो भी हमारे बार काउंसिल रूल्स के अंदर जो बातें लिखी हुई है इनको वायलेट करता है एज अ लॉयर फंडामेंटल राइट्स को. तो ये एक तरीके से डिसकंटिन्यू होना चाहिए. साथ ही में आखिर में पिटीशन के अंदर एक बात और लिखी गई थी कि ये जो ब्लैक रोब्स पहनते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर इनको भी रिवोक करना चाहिए. भाई इनको भी बदलो, इनको भी चेंज करो. अब आप लोग पूरी वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, गौर करने के बाद आपका क्या दिमाग में पॉइंट आ रहा है ये मैं आपकी ड्यूटी बनाता हूं कि अब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, अब ये कमेटी को क्या ड्रेस कोड चेंज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या फिर बैंड हटाना चाहिए, जो हमारा ब्लैक ड्रेस कोड है वो चलो रखे रखो, बैंड हटा दो, या हाई कोर्ट्स के अंदर जो ब्लैक रूल्स है वो हटा दो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा. और इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पॉइंट पहुंचे और सब लोग अपना सजेशन दे पाए. साथ ही में आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आपके लिए ओपन है, आपका जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा. हम ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं. नेक्स्ट मैं अपडेट्स ऐसे ही लेके आता रहता हूं. अगर आपको मेरी भी अपडेट्स पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू, धन्यवाद.